हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सुंदर घने काले बालों की चाहत हर किसी को होती है। समय से पहले अगर आपके भी बाल सफ़ेद होने लग गए हैं तो ये गंभीर समस्या बन जाती है। बाल अगर कम उम्र में ही सफ़ेद हो रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में बदलाव। इसके अलावा प्रदूषण और स्ट्रेस से हमारे बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बाल सिर्फ झड़ने नहीं लगते हैं बल्कि समय से पहले बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसके जरिए आप अपने बालों को समय से पहले सफ़ेद हुए बालों को काला कर सकते हैं। इसके लिए आज मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल काउ। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एलोवेरा जेल हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एलोवेरा जेल हमारे सफ़ेद बालों को काला करने में भी काफ़ी असरदार साबित हुआ है। आपको सिर्फ इसका पेस्ट बनाना है और अपने बालों में लगाना है। दोस्तों, अगर आप हफ्ते में बस एक बार इसे लगा लेंगे तो आपके सफ़ेद बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एक एलोवेरा जेल की लीफ लेनी है और उसके बाद आपको इसके साइडों से कांटे निकाल लेने होंगे। इसके बाद आपको इसे पीसीस में कट कर लेना होगा। सफ़ेद बाल होने के कई कारण हो सकते हैं। जब हमारे शरीर में कोशिकाएं मेलानिन को बनाना बंद कर देती है या फिर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी के कारण भी मेलानिन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसके कारण हमारे सफ़ेद बाल हो सकते हैं। सिर में दर्द रहना या सायरन जैसी बीमारी के कारण भी हमारे सफ़ेद बाल हो जाते हैं। ज़्यादा तनाव में रहने से या हरी सब्जियां फलों का सेवन ना करने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे भी हमारे समय से पहले सफ़ेद बाल हो जाते हैं। हमें अपने आहार में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन को पर्याप्त मात्रा में ना लेने से भी हमारे सफ़ेद बाल हो जाते हैं। और इसके साथ ही तुलसी हमारे बालों को झड़ने से बचाती है, डैंड्रफ को ख़त्म करती है, हमारे समय से पहले हुए सफ़ेद बालों को काला करती है। इसके साथ साथ ये हमारे बालों को हेल्दी रखती है, जड़ों से मजबूत रखती है, हमारे बालों की स्कैफ को तेज़ी से मजबूती देती है, बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद कर देती है। यदि बालों में किसी तरह की बीमारी, कीड़ा या फिर किसी तरह की खुजली हो गई है या फिर गंजेपन की समस्या हो गई है तो ये उसे भी जड़ से ख़त्म कर देती है। तो आपको फ्रेंड्स एलोवेरा जेल के पीसेस कट करने हैं और इसके बाद आपको 5 से 6 तुलसी के पत्ते लेने हैं। इसके बाद आप इन्हें मिक्सी में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। आपको इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है क्योंकि एलोवेरा जेल के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी मौजूद होता है। तो आपको इसे मात्र मिक्सी में डालकर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना होगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके पेस्ट को स्मूथ बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए, मैंने इसे एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद अब आपको लेना है एक क्लीन बाउल और चाय छलनी की सहायता से आप इस पेस्ट को छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो हल्का फुल्का छिलका होगा वो अलग हो जाए। आप इसको अच्छे से छान लीजिएगा। तो देखिए गाइस, हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आपको भी इस तरह से इस पेस्ट को बनाकर तैयार कर लेना होगा। इसके बाद आप इसे अपनी बालों की जड़ों में और पूरे बालों में लगाकर छोड़ दीजिएगा। 30 से 40 मिनट तक आप इसे अपने बालों में लगाकर रखिए। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे अपने बालों में लगाइए और अपने बालों को देखिए कि कैसे एक ही बार में आपके सफ़ेद हुए बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल नुस्खा है। अगर आप इसका यूज़ अपने बालों में करेंगे तो ये आपके बालों को कुछ समय के लिए काला नहीं बनाएगा बल्कि हमेशा के लिए आपके
सफेद हुए बालों को काला कर देगा। बनाना बहुत ही आसान है। आपके आसपास तुलसी और एलोवेरा जेल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपके बालों में किसी तरह की खुजली की या फिर डैंड्रफ की समस्या है तो आप इस पेस्ट में आधे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इसके यूज से आपके बालों की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।